नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है पढ़ी लिखी बहू का महत्व। और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। 52 वर्षीय विमला जी कब से पेंशन लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी। आज बैंक में बहुत भीड़ थी। उनके ही जैसी और भी महिलाएं लाइन में लगी हुई अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। ऊपर से गर्मी और पसीने से उनकी हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपने थैले से पानी की बोतल निकालकर अपना गला तर किया और पल्लू के छोर से पसीना पोंछा। करीब आधे घंटे के बाद उनकी बारी आई। तब बैंक के क्लर्क ने उन्हें एक फॉर्म पकड़ा दिया और कहा कि इसे भरिए, अपनी फोटो और पहचान पत्र इसके साथ संलग्न करिए, तब जाकर आपको पैसे मिलेंगे। विमला जी परेशान हो गई। उन्हें कहाँ पढ़ना लिखना आता था। वो तो पिछले 4 सालों से अंगूठा लगाकर हर महीने पैसे निकाल लिया करती थी। अभी कुछ दिनों पहले ही तो बेटे की जिद से बस हस्ताक्षर करना सीखा था। उनके बेटे सुमित ने उन्हें कई बार समझाया भी कि एटीएम कार्ड बनवा लो, पर उन्हें यह झमेला लगता था। वह सोचती थी कि कोई बात नहीं, हर महीने जाकर अंगूठा लगाकर पैसे ही तो निकालने हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सुमित ने भी बार बार उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया, तो उसने भी ध्यान देना छोड़ दिया। अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उनकी बहू शालिनी का फोन आया। उसका फोन देखते ही विमला जी और भी चिढ़ गई। शालिनी और सुमित की शादी को अभी 2 सप्ताह ही हुए थे। सुमित ने लव मैरिज की थी। विमला जी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शालिनी बहुत ही पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और ऑफिस जाने वाली लड़की है, तो वो उनके घर को क्या संभाल पाएगी। वो उसके जगह पर एक सीधी सादी कम पढ़ी लिखी बहू चाहती थी, जो कि घर में रहकर उनकी और घर की देखभाल करे। लेकिन सुमित की जिद के आगे उनकी एक न चली। हार कर उन्होंने शालिनी को अपनी बहू तो बना लिया, पर उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अनमने ढंग से उन्होंने शालिनी का फोन उठाया। शालिनी बोली, माँ आप घर पहुंच गई क्या। नहीं, अभी तो मैं बैंक में ही हूँ, विमला जी ने सपाट स्वर में कहा। क्यों, इतनी देर क्यों हो गई, शालिनी ने चिंतित स्वर में कहा। विमला जी ने न चाहते हुए भी अपनी परेशानी उसके सामने रख दी। शालिनी का ऑफिस नजदीक ही था। उसने कहा, माँ आप रुकिए, मैं अभी घर से सारे डॉक्यूमेंट लेकर 15 मिनट में आती हूँ। शालिनी अपनी स्कूटी से फटाफट बैंक पहुँच गई। उसने फटाफट फॉर्म भरवाया और साथ ही एटीएम कार्ड के लिए रिक्वेस्ट भी डाल दी। शालिनी ने जिस फुर्ती से स्थिति को संभाल लिया, उसे देखकर विमला जी बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि उन्हें अच्छा लगा है। वो मन ही मन सोचने लगी कि शालिनी कितनी समझदार है। मैं बेकार ही ऐसा सोचती थी कि पढ़ी लिखी बहू घर को अच्छे से नहीं संभाल सकती है। कुछ ही दिनों के बाद एटीएम कार्ड भी आ गया और शालिनी ने विमला जी को एटीएम कार्ड का प्रयोग करना भी सिखा दिया। अब विमला जी को घंटों बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ता था। अब उन्होंने राहत की सांस ली और वो पछता भी रही थी कि पहले ही सुमित की बात मान ली होती तो इतने दिन परेशान नहीं होना पड़ता। एक दिन उन्होंने शालिनी को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचती थी। मुझे लगता था कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर परिवार में अच्छे से घुलमिल ही नहीं पाती, लेकिन तुमने तो अपनी पढ़ाई के दम पर मेरे जीवन में भी रोशनी भर दी। मम्मी जी माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, और अब मैं आपको पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगी, शालिनी उनके गले लगते हुए बोली। सास बहू की बातें सुनकर सुमित ने विमला जी को छेड़ते हुए कहा, मैं जब आपको समझाता था तब तो आप नहीं मानती थी, और बहू ने आते ही आप पर जादू कर दिया। ये सब बहू के प्यार का जादू है बेटा, विमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज विमला जी को अपनी पढ़ी लिखी बहू पर बहुत गर्व हो रहा था। सुमित भी खुश था कि उसकी माँ को उसकी पसंद अब भाने लगी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।